सो गाइस ये देखो ब्रैम्पटन प्लाजा, गाइस एंट्री होगी है जम्मू एंड कश्मीर। तभी हम आए सिम लेने, सिम पूछते हैं क्या कुछ रेट किया है। जी आ गए राम लड्डू। सो गाइस अभी अभी हमें रोका था एक पुलिस वाले ने, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने, कोई भी पेट के साथ रूम दे के ही रहा। सो गाइस सुबह के 5:30 बज गए, अब पैकिंग स्टार्ट करूँगा और अभी निकलना है, तो ऐसा ही शेड्यूल है, अभी स्टार्ट करेंगे। ये देखो कैसे सोया पड़े। 5:34 पे सारे कपड़े पैक हो गए, तो ये होता है टाइम का, पता है फटाफट कर लेंगे। जितना सूटकेस पैक होता हुआ देख रहा तो इसे ऐसे लग रहा है मैं जा रहा हूँ, तो छोड़ ही नहीं रहा मेरे को, ऐसे आगे बैठ जाता है, जहाँ जाता हूँ वहीं पीछे पीछे आ रहे हैं। तो इनको भी पता होता है कि अगर कोई बैग पैक कर रहा है तो शायद वो जा ही रहा छोड़ के, जैसे मैं पहले गया था इसको छोड़ के, तो इसको ऐसे रहता है हमेशा कि चला ना जाइए। पैकिंग डन हो गया, अब सुबह सुबह ब्रेड मलाई का सैंडविच खा रहा हूँ, और ये देख लो पैकिंग सब हो गया, वो भी रेडी है। टाइम हो गया, क्या टाइम है यार, लॉकिंग करो। सो गाइस 6:30 से भी ऊपर होगा टाइम, लेट बहुत हो गए, 5 बजे निकलने का सोचा था। ये देखो नीचे चेयर डाल दी, स्टोव हो गया, पानी हो गया, अभी बहुत सामान है हमारा, तो अभी वो कपड़ा बिछाऊंगा ताकि ब्राउन के जो बाल वगैरह हैं वो ज़्यादा इधर उधर ना खिंडे, और यहाँ बुआ जी बैठ जाएंगे। तो अभी का ये कुछ सेटअप है गाइस। अभी मम्मी गए हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने, मैंने जो है शॉर्ट्स पहन रखे हैं तो मैं मत्था टेक नहीं सकता, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अंदर नहीं अलाउ करेंगे, तो मम्मी बोले मैं मत्था टेक आती हूँ, तो बाहर से टेक और इसके बाद हम निकलेंगे। टाइम हो गया है देख लो भाई, 7:45 हो चुके हैं, 7:45 बज गए हैं, अभी निकल रहे हैं हिसार से, हम जाएंगे कोशिश है जम्मू तक तो पहुंच जाएं, श्रीनगर तो 14 घंटे की ड्राइव है तो पॉसिबल नहीं है, बीच में रुकेंगे, ब्राउन का भी खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका खाना जो है खुद बॉईल करना पड़ता है, जो इसको चिकन डालते हैं तो वो भी बॉईल करना है, इसके अलावा खुद भी कुछ चाय पानी लेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो अभी मम्मी आते हैं फिर निकलते हैं श्रीनगर के लिए। ब्राउन आ गया घूम के, इसको यहीं बांध दिया देखो इसके साथ ही, ताकि इधर उधर ना भागे, पीछे का पूरा स्पेस इसको दे दिया, ये पीछे आराम से जा सकता है। सामान मैंने ये सब शीट से कवर कर दिया, इस सीट को वहाँ बुआ जी बैठेंगे तो ये यहीं तक ही रहेगा। ये हमारा आइस बॉक्स हो गया, इसमें आइस भी डलवानी है अभी, और अभी मम्मी अंदर पाठ कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है, सुनो मम्मी की आवाज़ है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज फाइनली हम निकल गए हैं, 7 बज गए हैं ट्रिप पे निकलते निकलते। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आज कहाँ जा रहे हो फिर? कश्मीर। कश्मीर जा रहे हैं गाइस हम, और ये देखो ब्राउन भी साथ जा रहा है, और साथ में जा रही है मेरी बुआ जी, तो अभी लेके चलते हैं, अभी बुआ जी को पिक करने जा रहे हैं, वहीं से डायरेक्ट निकलेंगे कश्मीर के लिए। आज तो शायद हम कश्मीर नहीं पहुंच पाएंगे, कोशिश तो है जम्मू तक पहुंचे, बट लेट भी हो गए हैं काफी, और बीच में रुकना ही पड़ेगा, ब्राउन को भी खाना देना है, तो ये जो खाता है उसको बॉइल करके देना पड़ता है चिकन जो भी इसको देते हैं हम, और इसके अलावा हम भी रुकेंगे, लंच करेंगे, एक आधा ब्रेक भी लेंगे बीच में, तो टाइम लग सकता है। तो कोशिश है जम्मू नहीं तो जलंधर तक तो है ही है, जलंधर तो किसी भी हाल में पहुंचेंगे, बट लेट्स सी कहां तक पहुंचता है। अभी देख लो मौसम यहां कुछ ऐसा है, काफ़ी मतलब बादल हैं, बट रास्ते में बारिशें तो मिलेंगी, काफ़ी जगह बारिशें मिलेंगी आज, मौसम ख़राब है हर जगह, बट चलो बढ़िया है निकल गए। तो अभी फतेह सही बुला लेते हैं, तो मम्मी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कभी नहीं मिला किस चीज का, पर्स का बड़ा प्यारा पर्स आज मैंने देखा सच में। सो गाइस हम निकल गए हैं कश्मीर के लिए, और ये देख रहे बुआ जी भी आगे शर्मा रहे हैं जी। तो अभी हम निकले हैं, 9 घंटे दिखा रहे, ये देखो 4:35 का अराइवल दिखा रहा है, जम्मू डाला अभी मैंने मैप्स में, क्योंकि जम्मू तक का ही पता है जहाँ तक जा सकते हैं, तो इतने 9 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है, तो हो जाएगा 9 घंटे, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, अगर सही रहा तो क्या पता सीधा श्रीनगर भी जाए, तो अभी तो कुछ भी नहीं पता, बट स्टिल अभी ये भी देखो शांत हो गया थोड़ा, कितना वो बेचैनी में था ये, अब शांत है, इसको थोड़ा टाइम लगे सेटल डाउन हो जाएगा। बर्फ तो मिल गया यहाँ पे, ये है कौन सी जगह भैया? हाँ जी कौन सा एरिया है? यूनीर। यूनीर भाई बात। सो गाइस ये देखो ब्रैम्पटन प्लाजा, पंजाब में ये सब देख लो रेस्टोरेंट के नाम है, ब्रैम्पटन के नाम से, यहाँ की अलग ही दीवानगी है कनाडा को लेके। गाइस 11 बज गए, लगभग 4 घंटे हो गया, पहला स्टॉप लिया हमने भोपर आए वैष्णो ढाबा,
यही पराठा परूठा कुछ खाते हैं, ब्राउन को बांधते हैं, इसको भी खाना दे देंगे यहीं पे। ब्राउन का बनाना है खाना? नहीं अभी नहीं क्या? अच्छा इसको लेट दोपहर को देते हैं ना इसको खाना, इसको भी बांध के ही छोड़ देंगे। तो गाइस हमारा शेर भी बाहर आ गया, बड़ा परेशान हो रहा है ये, वैसे शांत बैठता है पर शायद बहुत दिनों के बाद गाड़ी में घूम रहा है। इसके बाद मैंने बेंगलोर टू हिसार भी किया हुआ है, लगभग 3000 किलोमीटर की ट्रिप की थी मैंने, पूरा घूम चुका हुआ आया था, तब सही था ये। अब बेचैन है, इसको सुसु पोटी देखते हैं, कुछ करवाते हैं। नहीं गंद में नहीं, अभी पंजाब में ही है कहीं, बरनाला के आसपास। इसको यहीं बांध दिया, पानी डाला है, बहुत प्यास लग रही थी उसको, पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी डाल दिया थोड़ा सा। यहाँ हम बैठ के खाना खा लेंगे, हाँ बटर के साथ। ये है देख लो ढाबा मेन्यू, उगाए दिया आ गया, तंदूरी पराठे विद बटर और चाय भी बोलती है। और ये अब थोड़ा रेस्ट करेगा, ये पूरी रास्ते नहीं सोएगा, कभी सोएगा। गाइस टाइम देख लो, 12 बजने वाले हैं, अभी डिस्टेंस दिखा देता हूँ कितना पड़ा है। ये देख लो टोरंटो, टोरंटो अभी तक यही चल रहा है। अभी भी 6.5 घंटे का रास्ता पड़ा है। Head south on Barnala Road toward Jalaldiwal Link. ये देखो ये टीम होटल्स हैं यहाँ पे, यहाँ को भी बोर्ड दिखाता हूँ ऊपर वाला, पर हम नहीं जाएंगे, बहुत महंगी हो गई किसी। हम कनाडा के पी सकते थे सिर्फ, लुधियाना बहुत गया हम, टाइम हो गया है 1:45 हो गया अभी तो, लुधियाना बहुत गए, अभी भी 5.5 घंटे का सफ़र बाकी है। अब लिया है स्टॉप, स्टॉप लिया है जलंधर पार करने के बाद, टाइम हो गया 2 बजने वाले हैं, ब्राउन को खाना डालेंगे, शोर बहुत है। तो ये देख लो इसको भी खाना डालना है यार, इसमें कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से, तो इसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा इसका चिकन। अरे रुक जा, नो वेट, हमारी किचन लगी है यहाँ पे, चिकन बॉईल करने रख दिया ब्राउन का, चेयर्स भी हैं हमारे पास, और अभी सारा ये मैसअप हो गया, अब इसको दोबारा सेट करना पड़ेगा, सामान बहुत था तो करेंगे दोबारा सेटिंग इसकी। तो गाइस इसके लिए स्पेशल गाड़ी रोकी थी कि ये खाना खिलाना है, इस बार खाना ही नहीं खा रहा, ये देख लो चिकन भी डाल दिया, फिर भी नहीं खा रहा ब्राउन, पानी तो पी रहा है, प्यास है मम्मी, वो पानी तो पिएगा। मैं ये जब भूख जाता है ना पानी पी लेता, गर्मी देख रहा भाई पसीना, अभी सारा कुछ गाड़ी में सामान सेट किया है, अब निकल रहे हैं, खाना खाया नहीं इसने, मुंह पे देख लो कितना पसीना है, उस पर भी आ गया गूगल पे, बहुत गर्मी है। एंट्री हो गई है जम्मू एंड कश्मीर, अब नेटवर्क सब चले जाएंगे, सिम बंद हो जाएगी, फिर नई सिम लेनी पड़ेगी। तभी हम आए सिम लेने, सिम पूछते हैं क्या कुछ रेट किया, भैया सिम चाहिए एयरटेल की, क्या कुछ प्लान है भैया? 400 रुपये, 450 रुपये, 400 वाली है उसमें 1 GB है रोज का, 28 दिन की कॉलिंग है, और 850 है उसमें 1.5 GB रोज का, 28 दिन की कॉलिंग। तो फाइव गाइस हम पहुंच गए लखनपुर, यहाँ हम खाएंगे राम लड्डू या फिर भल्ले कह लो या कुछ भी कह लो यहाँ पे। अब ये देख लो इसको सुसु आया, इसको सुसु करा दो, आ जा अपनी गाड़ी पे कर दो, दूसरों की गाड़ी पे सुसु नहीं करेगा, आ जा यार अपना गाड़ी का टायर इस पे कर, इस पे आ, इस पे, उस पे नहीं, इस पे, गुड बॉय। देख लो गाइस सुसु तो मानता है और कुछ नहीं मानता। तो गाइस अभी श्रीनगर बहुत दूर है, 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो श्रीनगर तो पॉसिबल नहीं है, बट प्लान है कि जम्मू से थोड़ा ऊपर जाएंगे, जम्मू तो अभी आ जाएगा, 100 किलोमीटर भी नहीं है जम्मू, तो जम्मू रुकने का फ़ायदा नहीं है कि कल भी वही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो कल जो है श्रीनगर बहुत लाइट रखेंगे, जैसे कि अपना डल लेक हो गया, मतलब लोकल हो गया श्रीनगर बस, परसों जो है वो गुलमर्ग वगैरह जहाँ तक देखते हैं कहाँ तक जाएंगे, तो आज तो
जितना होगा वो डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर जाके अपना सो जाएंगे। जी आ गए राम लड्डू, खाओ देखो कैसे हैं। एक प्लेट और आ गई। तू नहीं खाएगा बेटा, तेरे काम का नहीं है। सो गाइस अभी अभी हमें रोका था एक पुलिस वाले ने, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने, कहता पहले डिग्गी चेक कराओ। तो मैंने कहा कर ले भाई, मैं उतर के गया, पीछे डिग्गी खोली, जैसे डिग्गी खोली है बोक पड़ा ब्राउन, तो उसको देख के कहता नहीं कोई बात नहीं चले जाओ। मैंने क्या चेक करना है आपने, कर लो नहीं उतार देता हूँ। कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं जाओ। तो ऐसे मेरे को दो बार पहले भी रोका हुआ जब ये साथ था। तो ये साथ होता है, पुलिस एक बार खुलवा जरूर लेती है पर चेक नहीं करती, क्योंकि उसको डर लगता है यार कि काट ले कुछ ऐसे वैसे। तो कुत्ता साथ हो, मतलब आपके पास अपना डॉग हो, कुत्ता साथ हो, तो आपको पुलिस भी नहीं चेक करेगी, तो ये फायदा भी है। ब्राउनी ये ले, ये ले बस, सुन लेता बस। सो गाइस फाइनली रूम मिला बहुत मशक्कत के बाद। कोई भी पेट के साथ रूम दे के ही राजी नहीं था, बहुत चक्कर काटे, बाजार में घूमे, बट जैसा मिला अब यही मिला। पेट फ्रेंडली रूम बहुत कम है यहाँ पे। अभी दिखाऊंगा नीचे से भी होटल, अभी जाऊंगा सामान वगैरह गाड़ी से थोड़ा लेना है, चप्पल वगैरह। और ये रूम है कुछ यार ऐसा ही मिला, ये मिला 2250 रुपये में, इतना महंगा मिल रहा है ये एकदम नॉर्मल सा रूम, बट क्या करें। वैसे तो 1700-1800 का बोला रेट, अगर आप पेट रखोगे तो ज़्यादा रहेगा। आप वो कह रहे हैं कि क्लीनिंग का चार्ज बढ़ जाता है, ये इसके बाल वगैरह गिरेंगे तो हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है। मैं मजबूरी है भाई, दे दे जो भी है। सो गाइस अभी ब्राउन के लिए तो आ गया खाना, काफ़ी ज़्यादा बॉडी जो है एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसको खाना डालते हैं। और हमारा जो ऑर्डर है वो अभी तक आया नहीं है, ऑर्डर तो कर दिया, चेंज वगैरह कर दिया। आ जा ब्राउनी कम, आ जा, ये खा ही नहीं रहा यार, सुबह भी नहीं खाया इसने कुछ। दही है बेटा, दही, दही तो खाता तू, खा ले, खाएगा खाएगा, नहीं खा रहा भाई। कम क्यों है यार, जितनी है उतनी तो खा ले, खा ले, खा ले बेटा, खा ले, सुबह भी कुछ नहीं खाया इसने। अब भी देख लो बेचारे को, गाड़ी में बैठ के ये भी परेशान हो जाता है, पर क्या करें, अब घुमाना है तो इसको भी ऐसी गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा।